हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलवी सिस्टर्स। सो गाइस, आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ गंगूबाई का लुक। और गंगूबाई मूवी जिसने भी नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है। और सबसे बेस्ट थिंग इस मूवी का ये है कि आलिया भट्ट ने अकेले दम पर ये मूवी मतलब हिट करवा दी है। इतनी बढ़िया एक्टिंग, सुपर एक्टिंग बाय आलिया भट्ट, और बहुत ही अच्छा रोल निभाया है उन्होंने गंगूबाई का। सो मैंने सोचा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इनका लुक क्रिएट किया है, तो मैंने सोचा मैं भी रिक्रिएट करती हूँ। हालांकि मैंने कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई है, बट मैं ट्राई करना चाहती हूँ। लिटिल बिट नर्वस, बट इट्स ओके, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि गंगूबाई ने पूरी मूवी में वाइट साड़ी पहनी हुई है, बट मेरे पास वाइट साड़ी नहीं है, तो मैंने वाइट अनारकली पहनी है और उस पर वाइट दुपट्टा साड़ी स्टाइल में डाला हुआ है। तो बेसिकली मैं अगर जब ये लुक क्रिएट करूँगी तो प्लीज़ डोंट जज बाय दिस कि आप आलिया भट्ट बिल्कुल नहीं लग रही हैं। मैं आलिया भट्ट नहीं बनना चाह रही हूँ, मैं उसका लुक रिक्रिएट कर रही हूँ। तो उसका लुक जैसा उस मूवी में है, वैसा ही लुक मैं रिक्रिएट करने जा रही हूँ। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगूबाई ने पूरी मूवी पे ऑक्सीडाइज ज़्यादातर, मतलब उसका लुक ऐसा था कि उसने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी हुई है, नाक में भी और कानों में भी। तो मेरे पास ऑक्सीडाइज से झुमकी थी, तो मैंने वो पहन ली है। प्लस उस जो इन्हांस कर रहा था उसके लुक को, वो बिंदी थी, यहाँ पर एक कट का मार्क है और यहाँ पर एक नथ है, तो मेरे पास इत्तफाक से मिल गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस निविया क्रीम। देखो पता नहीं कैसा टर्न आउट होता है ये वीडियो, बट लेट्स होप अच्छा हो। पता नहीं आजकल क्या क्या हो जाता है, मतलब थोड़े दिन चेहरा सही रहता है फिर उसके बाद सूजन आ जाती है। लाइक अभी मेरे फेस पे बिल्कुल भी सूजन नहीं है, तो सही लग रहा है, वरना मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। आई डोंट नो व्हाई। अरे यार, बाल का लग गया। वैसे उसके बाल भी कर्ली थे, मैंने बाल कर्ल किए थे, बट ये मेरे बाल स्ट्रेट है तो वो फिर से स्ट्रेट हो गए हैं। मैंने बाल कर्ल किए थे, मैं सोचा वीडियो से पहले ही मैं बाल कर्ल कर लेती हूँ। इतना ज़बरदस्त लुक लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैं मुझे तो बहुत बढ़िया लगी मूवी। आपने देखी है या नहीं देखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज कर लिया है निविया से। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ शुगर का प्राइमर। जहाँ जहाँ पर भी आपके पोर्स बहुत ही ज़्यादा खुले होते हैं, वहाँ पर आपको ये लगाना है, नाक पे लगाना है, बाकी और कहीं नहीं लगाना है। इससे आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, मतलब अभी तक का बेस्ट प्राइमर है शुगर का ये। तो मेरा चेहरा बहुत लाल हो जाता है। वैसे वाइट में लोग अच्छे ही लगते हैं, मतलब मेरी नानी कहती थी कि वाइट सूट में मतलब बहुत ही शुरफा इंसान लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। शुरफा का मतलब मुझे नहीं पता, बट शुरफा का मतलब होता है रॉयल, शायद ये मतलब होता है। तो मेरी नानी हमेशा कहती थी जब कोई तुम्हें लड़का देखने आए तो तुम हमेशा वाइट पहनना, क्योंकि वाइट का जैसा जो भी आप कपड़ा पहनते हो उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर जाता है, तो इसलिए वाइट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्राइमर लगा लिया है। गाइज, आई एम नॉट यूजिंग एनी कलर करेक्टर ओवर हेयर, क्योंकि बहुत ही लाइट मेकअप है गंगूबाई का। तो मैं यहाँ पर मेबलिन फिटमी का
फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ 120 शेड में। अपने ब्यूटी ब्लेंडर को डैम कर लेंगे एंड देन जरा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो गले में ज़रूर लगाएं, क्योंकि वरना फिर मैं हमेशा गला भूल जाती हूँ, मगर फिर भी गले पे लगाएं। जो भी बचा प्रोडक्ट है मैं अपनी आईज पे लगाऊंगी। I'm using this NY Baker concealer. ओके, आफ्टर दैट आई एम यूजिंग मैक का कॉम्पैक्ट, बहुत ही लिटिल बिट, जस्ट बेक करने के लिए, ज़्यादा नहीं। हो गया मेरा बेस ऑल राइट, तो मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है, मतलब ऑफ कैमरा कर लिया वो क्लिप, मतलब मैंने कैमरा स्टार्ट भी नहीं किया और वो क्लिप गायब हो गई। सो मैं कॉन्टोरिंग कर चुकी हूँ, मैंने कॉन्टोरिंग की है स्विस ब्यूटी 222 हॉट न्यूड लिपस्टिक से। मेरे पास कॉन्टोरिंग स्टिक अभी मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसी से कॉन्टोर कर लिया है, वो क्लिप डिलीट हो गई है। तो या ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आई यूज मैक का नेक्स्ट स्टेप इज हाइलाइटर, आई एम यूजिंग मैक का हाइलाइटर, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हाई जोन पे करेंगे। हाइलाइटर तो जितना लगा लो उतना कम है। ओके, सो मैं अभी अपना मेरा बेस कंप्लीट हो गया है, तो अभी सिर्फ बेस कंप्लीट हुआ है, मेन मेकअप अब स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी से
सारा पाउडर और सब आप देख सकते हैं, मैं एकदम पास आ गई हूँ। बेस बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ माई बेस और दिस इज़ माई बेस। तो अब मैं करने जा रही हूँ अपनी आईब्रो सही करूँगी सबसे पहले। तो अच्छा, ये मैं हैक बताने जा रही हूँ कि इफ़ अगर आपके पास कोई मस्कारा ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास ये शुगर का मस्कारा था, ये ख़त्म हो गया है और मेरे पास स्पूली नहीं थी। स्पूली मतलब एक ब्रश होता है जिससे आपकी जो भी आपका आईब्रो है वो कोम्ब हो जाता है उससे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मस्कारा भी है, तो इससे मैं क्या करूँगी, इसकी मदद से इस तरह से करती हूँ मैं। बहुत नेचुरल लुक देता है, लाइक यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ दी आईब्रोज। कितना प्यारा लग रहा है ये। सेम मैं इसमें भी करूँगी। ऑल राइट, सो मेरी आईब्रोज डन हो गई है विदाउट एनी ब्रो पैलेट के। मैंने ये अपनी आईब्रोज सही कर ली है। सो या नाउ वी विल कम टू दी आई मेकअप। बहुत लाइट मेकअप, आई मेकअप कोई आई मेकअप नहीं किया है आलिया ने। सो हेयर आई एम यूजिंग जस्ट अ ब्राउन शेड ऑफ दिस रेवलॉन पैलेट। ठीक है, मैं इसमें से सिर्फ एक ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, बिल्कुल लाइट। जस्ट टू डिफाइन माई आईलिड, दैट्स इट। ओके, सी द डिफरेंस। सेम दूसरी आईज में करेंगे। ओके, डन। नाउ कोई भी आईलाइनर या काजल, मतलब काजल लगाया है बट कोई आईलाइनर नहीं लगाया है। सो मैं यहाँ पर काजल यूज़ करने जा रही हूँ शुगर का। मस्कारा, तो आईलाइनर तो उसने लगाया नहीं है, तो मैं मस्कारा लगा रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन हाइपरकर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा और बहुत ही अच्छा मस्कारा है। मैंने मस्कारा लगा लिया है। नाउ ओके, आई एम वेरी नर्वस। मैं लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ, कहाँ पर, माथे पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस लिपस्टिक, ब्यूटिफुल लिपस्टिक फ्रॉम बेलोरा और इसका शेड है 18 मरून ग्रेप्स। ओके,
chase what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Okay, so next step, the most important step is जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं वो सारे मैंने अमेज़ोन से परचेज किए हैं. सभी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो हम वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं. सो गाइज, मैंने थोड़े बहुत कर्ल कर लिए हैं फिर से, एंड सो दिस इज़ माई फाइनल लुक. फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा वीडियो ट्राई किया है, और अगर आप ऐसे ही लुक क्रिएशन चाहते हो कि मैं आगे भी करूं, तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए किसका मुझे लुक क्रिएट करना चाहिए, और मुझे आप 10 में से कितने नंबर देंगे ये भी बताइएगा. सो बड़ी मुश्किल से कर्ल हो पाए, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बाल स्ट्रेट हैं, तो बहुत ही मुश्किल से आगे के ही बाल मैंने सिर्फ किए हैं. दैट्स इट. That's all for today's video, and I hope aapko video pasand aayi hogi. So do like, share and subscribe to my channel, which is Alvi Sisters. Milte hain aapse next vlog mein. Dekho, maa ka naam Gangubai. Aur baap? Baap ka naam kya likhe? Maa ka naam kaafi nahi hai na? Chalo, baap ka naam Devanand.